आज हम आप सबको एक ऐसी रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर किसी एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के लिए एक गुत्थी बनी हुई है, जिसका नाम है ब्लैक होल। आज तक इसके बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसकी सबसे पहली और असली फोटो 11 अप्रैल 2019 को रिलीज कर दी गई है। तो आइए जानते हैं इससे संबंधित बहुत सारे अनसुने तथ्य। आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 7। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ब्लैक होल को हम डायरेक्ट नहीं देख सकते अपनी आंखों से, और ना ही हमारे पास जो उपकरण उपलब्ध हैं उनके द्वारा हम देख सकते हैं। जैसा कि मैंने इसका नाम है ब्लैक होल, ये इतना ज़्यादा डार्क है कि इसको मानवीकृत बनाए गए उपकरणों द्वारा भी देखना असंभव है। आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 6। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ब्लैक होल की जो खोज थी वो 1783 में जॉन मिशेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। उनका ये मानना था, उन्होंने सोचा कि कोई गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली हो सकता है कि छोटे से छोटा कण भी, एक छोटे से छोटा मॉलिक्यूल भी उससे नहीं बच सकता। लेकिन 1916 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस सिद्धांत को पुनर्जीवित किया और साबित करके दिखाया। फैक्ट नंबर 5। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति, अपनी तरफ खींचने की शक्ति इतनी अधिक है कि इस पूरे संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, इससे बच नहीं सकती। ये सभी वस्तुओं को अपने अंदर समाहित कर सकता है, यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे नहीं बच सकता। यदि हम इसमें प्रकाश छोड़ेंगे तो प्रकाश भी समाहित हो जाएगा, नहीं बच पाएगा। नंबर 4। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, वक्त का पहिया चलता रहता है, लेकिन ये जो ब्लैक होल है ये इतना शक्तिशाली है कि हमारे समय को भी प्रभावित करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक घड़ी होती है, वो अंतरिक्ष स्टेशन, एक स्पेस स्टेशन के मुकाबले समुद्र स्तर पर काफ़ी धीमी चलती है। उसी तरह से एक नॉर्मल घड़ी जैसे जैसे ब्लैक होल के पास जाती जाती है, वो बिल्कुल धीरे चलने लगती है, समय स्लो हो जाता है, और हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि टाइम क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये फैक्ट आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 3। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि धरती के सबसे करीब के ब्लैक होल की खोज हो चुकी है। ये धरती से कम लगभग 9,500 मिलियन लगभग 9,50,00,000,000,000 किलोमीटर दूर। जानते हैं फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अगर हम इसके आकार की और वजन की बात करें ब्लैक होल की, तो ये सूर्य से इससे लगभग 3 करोड़ गुना बड़ा है। हाँ जी, सूर्य से। नासा के अनुसार सूर्य के ठीक पास में एक सुपरजेट स्टार है ब्लू कलर का, जो सूर्य से तुलना में 20 गुना ज़्यादा बड़ा और वजन का भी है। आइए जानते हैं फैक्ट नंबर लास्ट और फैक्ट नंबर 1। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ब्लैक होल एक आम इंसान की जान भी ले सकता है, यह इतना खतरनाक होता है। ब्लैक होल में एक घटना होती है जिसका नाम होता है इवेंट होरिजोन। इसको भौतिकी में घटना क्षितिज भी कहते हैं। इसमें एक पॉइंट होता है जिसके पहले तो आप बच सकते हैं, लेकिन बाद में आप नहीं बच सकते। जैसे जैसे हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा इस इवेंट होरिजोन के पास तक पहुंचता है, सबसे पहले तो हमें गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है, जिससे हम ब्लैक होल की तरफ खींचे चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे महसूस होगा कि समय भी धीरे चलने लगा है, कुछ क्रियाकलाप बहुत ही धीमे हो गए पहले से, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब किस व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ब्लैक होल पर वीडियो, क्या आप इसके बारे में जानते थे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये हमारी वीडियो का पहला पार्ट है। अगर आप चाहते हैं ब्लैक होल की और भी जानकारी आपको मिले, तो कमेंट में हमें बताएं, हम इसकी नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।